नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे टेल बोन पेन की। टेल बोन पेन वह पेन है जो आजकल बहुत लोगों का होता है। लंबे जॉब आवर्स होते हैं, व्यक्ति को कंप्यूटर पर बैठ के काम करना पड़ता है, मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियां हैं, यह जब सुबह से रात काम लेती हैं तो कुछ पैसे लोगों को देती हैं, बाकी पैसा विदेश ले जाती हैं। तो हमारे जो नौजवान लोग हैं उनके टेल बोन यानी जो स्पाइन का टर्मिनल पार्ट होता है उस पर पेन होने लगता है, इसको इसी को कॉकिडिनिया या टेल बोन पेन कहते हैं। हम आपको बताएंगे इसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, क्योंकि यह बहुत पेनफुल होता है और आपके नियमित कार्य में अवरोध पैदा करता है। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कॉकिडिनिया या टेल बोन पेन होता क्या है। टेल बोन पेन साथियों, जैसा कि नाम बता रहा है, जो सबसे ये जो आपकी स्पाइन होती है इसका सबसे जो टर्मिनल पार्ट होता है नीचे की तरफ, उसमें जो सूजन आ जाती है, पेन हो जाता है जब उसमें सूजन आ जाती है, उसी स्थिति को टेल बोन पेन कहते हैं। यह तकलीफ देह होता है। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के विषय में। इसके सिम्टम्स साथियों, सबसे बड़ी चीज पेन ही है, टेल बोन पेन है। तो अगर आपके सैक्रम बोन जो लास्ट बोन है उसमें पेन हो रहा है, यही इसका सबसे बड़ा सिम्टम है। यह पेन आपका बटक्स तक, हिप रीजन तक एक्सटेंड करता है और आपको तकलीफ देता है। चलने में आपको तकलीफ पैदा होती है, ज़्यादा देर बैठने में तकलीफ पैदा होती है, इंडियन टॉयलेट में बैठने में तकलीफ पैदा होती है, और जब आप लेटते हैं तो लगता है किसी आप हार्ड चीज़ पर लेटे हैं। वो इतना ब्रूस्ट होता है कि जो जब किसी चीज़ से कॉन्टैक्ट में आता है तो लगता है बहुत हार्ड चीज़ से लेटे हैं, हार्ड बेड पर लेटे हैं, ऐसा एहसास देता है। तो यह सिम्टम्स होते हैं टेल बोन पेन के, यह बहुत आसानी से एक्सरे में आ जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके कारणों की साथियों। तमाम इसके कारण होते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कभी इंजरी हो जाती है, ब्रूस्ड होती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी ओवर स्ट्रेनिंग हो जाती है, अब्यूज़ हो जाता है, इस तरह की कई स्थितियाँ होती हैं जो आपके टेल बोन को रिप्रेजेंट करती हैं। हम लोग आजकल इतना ट्रैफिक जाम होता है कि बाइक से कभी कभी चलते हैं तो बाइक पे लगातार लंबा सफ़र, 300-300 2-250 किलोमीटर लोग सफ़र कर लेते हैं, तो सीधे उनके स्पाइन के सबसे नीचे असर पड़ता है टेल बोन पे, और वह ब्रूस्ट हो जाती है और पेन हो जाता है। हम आज आपको बताएंगे साथियों टेल बोन को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले साथियों बता दें, यह दवाएँ आपकी जानकारी के लिए हैं। शरीर इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन किसी तरह भी दिख सकता है। तो आप कोई भी दवा लें तो कुशल चिकित्सक से अवश्य पूछ लें, तभी दवा लें, यह आपके हित में है। बताते हैं साथियों आपको टेल बोन पेन खत्म करने की या कॉकिडिनिया खत्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक साथियों कंडीशन आती है कि आपके टेल बोन में पेन हो रहा है और आपके पैरों में मरोड़ होने लगी। तो अगर यह स्थिति आपके हो साथियों कि आपके टेल बोन में पेन हो रहा हो और आपके पैरों में मरोड़ भी होने लगी हो, क्रैम्प्स आने लगे हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है सिकेल कॉर्निटम। आप सिकेल कॉर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे दें, आप देखेंगे कि आपके पैरों की ऐठन भी खत्म हो गई और आपका टेल बोन पेन भी खत्म हो गया। एक स्थिति साथियों जो बनती है आपका पेन ट्रिगर होने की, कभी आप कहीं से गिर गए हों, अगर कहीं से आप फॉल हुआ हो, गिर गए हों और गिरने से आपको चोट लगी हो टेल बोन में और आपके पेन हो रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है हाइपेरिकम परफोरेटम। अगर आप कहीं से गिरे हैं और आपके टेल बोन में पेन हो रहा है तो आप हाइपेरिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका टेल बोन का पेन भी ख़त्म हो गया, उससे पैर में जो सुन्नपन आ रहा है वह भी ख़त्म हो गया और आप अपने ट्रॉमा से रिकवरी कर गए। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके टेल बोन में पेन हो रहा है और आपके गर्दन तक भारीपन है। अगर यह हैवीनेस आपके गर्दन में बनी है और आपके टेल बोन में पेन हो रहा है, तो इन दोनों स्थितियों को ठीक करने की एक दवा है, और दवा का नाम है पेरिस क्वाड्रीफोलिया। आप पेरिस क्वाड्रीफोलिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह पेन भी ख़त्म हो गया जो कि आपके टेल बोन में है, और जो नेक का भारीपन है वह भी खत्म हो गया। एक स्थिति साथियों आती है टेल बोन पेन की या ट्रिगर की, एक स्थिति आती है कि जब आपका ओवर एग्जर्शन हो रहा हो, जैसा मैंने बताया 250 किलोमीटर बाइक से चले जा रहे हैं, उसके बाद जब घर आए या 800 किलोमीटर कार ड्राइव करके यहाँ लखनऊ से माता वैष्णो देवी चले जा रहे हैं, और 2 रात बाद माता वैष्णो देवी से लखनऊ वापस आ रहे हैं सिंगल गो में,
तो और उसके बाद आपके टेल बोन पेन हो गया। तो अगर यह स्थिति हो जाती हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है रस टॉक्सीडेंड्रॉन। आप रस टॉक्स 1 mg/hour की 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उसी स्थिति में ले सकते हैं जब आपके ओवर एग्जर्शन से, ज़्यादा काम कर लेने से, ज़्यादा दबाव पड़ने से कॉक्सिक्स बोन पर, सैक्रम बोन पर आपके कॉकिडिनिया यानी टेल बोन पेन शुरू हो गया है। तो रस्टॉक्स 1 mg इज द ड्रग ऑफ द चॉइस। यह दवा आपको इस पेन से निकाल लेगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों की, सुबह उठे तो बहुत दर्द है टेल बोन में, दिन में थोड़ा आराम मिल गया। तो अगर यह स्थिति आपको होती है साथियों की, सुबह उठे वक्त आपको बहुत दर्द है और फिर दिन में आपको आराम मिल गया, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एसिडम फ्लोरिकम। आप एसिडम फ्लोरिकम या एसिड फ्लोर 30 mg/hour में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि जो दर्द आपके दिन भर नहीं होता वह सुबह भी नहीं होगा और आप अपने को बेहतर महसूस करेंगे। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके जो है ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से चोट लग गई, मतलब जिसे कहते हैं डंडे से कहीं लड़ाई वड़ाई हुई, डंडे से आपके जो है वो टेल बोन में चोट लग गई और आपके पेन होने लगा। अगर वह स्थिति बने साथियों तो उस पेन को ख़त्म करने के लिए और हमेशा के लिए अपने को सही करने के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रूटा ग्रेव्युलेंस। आप रूटा 200 mg/hour में, रूटा 200 mg/hour में 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो ब्रूस्ट पेन हो रहा है, सूजन वाला दर्द हो रहा है आपकी टेल बोन में, स्पाइन के टर्मिनल पार्ट में सबसे नीचे, वह ठीक हो गया और आप अपने को बेहतर महसूस करने लगे। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके टेल बोन में पेन हो रहा है और साथ में जलन हो रही है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको टेल बोन में, स्पाइन का लास्ट टर्मिनल पार्ट में पेन हो रहा है और साथ में जलन हो रही है, दर्द के साथ जलन भी हो रही है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कॉस्टिकम है। आप कॉस्टिकम 32 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके टेल बोन में पेन हो रहा हो और वह पेन आपको रात में सोने पर बना रहे। कॉस्टिकम के मरीज को रात में पेशाब पलंग पे होने की भी समस्या हो सकती है। यह मरीज दूसरों के लिए बड़ी सिंपैथी रखता है, बड़ी अच्छा सोचता है और रात में यह अपने पैरों को हिलाता रहता है और जलन महसूस होती रहती है। उन सारी स्थितियों की दवा कॉस्टिकम हेनिमनाई है। इसको 30 mg/hour में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर आप लाभ ले सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है टेल बोन में कि उसमें लगातार दर्द बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे आप मुलायम कुर्सी पर बैठे हैं तो भी लग रहा है कि बड़े हार्ड चीज़ पर आप बैठे, पत्थर पर बैठे हैं। तो अगर यह स्थिति आपको हो तो इस स्थिति को ठीक करने, टेल बोन के पेन को ख़त्म करने की बहुत अच्छी दवा है लिकैसिस। आप लिकैसिस 1 mg/hour की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि आपका टेल बोन का पेन ख़त्म हो गया और जो हार्ड बेड पे आपके बैठने का एहसास है सॉफ्ट बेड में बैठने के बावजूद, वह ख़त्म हो गया और आप अपनी तकलीफ़ों से बाहर निकल आए। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके टेल बोन में पेन हो रहा है, जब आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं तो आराम मिल जाता है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके टेल बोन में पेन होता है लेकिन जब आप पेशाब करने जाते हैं और पेशाब हो जाती है उसके बाद आपको आराम मिल जाता है, उस कंडीशन में टेल बोन को पेन करने ठीक करने की बहुत कारगर दवा है काली बाइक्रोम। आप काली बाइक्रोम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि जो पेन आपको यूरिन पास करने के बाद अपने टेल बोन के पेन में आराम में मिलता है, वही आराम आपको यूरिन पास करने से पहले भी रहेगा। एक स्थिति आती है साथियों कि आपको अपनी जो कॉकिक्स बोन है, टर्मिनल पार्ट है आपका स्पाइन का, उसमें स्टिफनेस या तनाव महसूस होने लगा। अगर यह स्थिति हो कि आपको जो कॉकिक्स बेन है उसमें जो है एक अकड़न महसूस होने लगी हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है पेट्रोलियम। आप पेट्रोलियम 1 mg/hour के 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। आप देखेंगे कि यह दवा लेने से आपका यह पेन पूरी तरह ख़त्म हो गया और आप स्वस्थ हो गए। फिर साथियों एक स्थिति आती है टेल बोन पेन की, आपके टेल बोन में पेन है और पैरों में सुनपन है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके स्पाइन के लास्ट पार्ट में पेन हो रहा है और पैरों में सुनपन है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है प्लेटिनम मेटालिकम यानी प्लेटिना। अगर यह सिम्टम है साथियों तो आप प्लेटिना 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको त्वरित लाभ मिल गया। फिर एक स्थिति आती है साथियों टेल बोन पेन में कि पेन आपके टेल बोन में हो रहा है, टर्मिनल
पार्ट में हो रहा है और उसकी तकलीफ आपके नेक तक हो रही है। तो अगर यह स्थिति साथियों हो कि पेन तो आपके लोअर मोस्ट स्पाइन से शुरू हो रहा है और वह आपके नेक तक आ रहा है और एग्जर्शन से बढ़ रहा है, तो उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा फॉस्फोरस है। आप फॉस्फोरस 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि आपका टेल बोन का पेन भी खत्म हो गया, आपका एग्जर्शन से होने वाली तकलीफें भी खत्म हो गई, और अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल भी रुक गया, क्योंकि फॉस्फोरस हेयर फॉल की भी बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति साथी हो सकती है किसी को कि उसके टेल बोन में पेन हो रहा हो और पैर के तलवों से पसीना बहुत आता हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपके टेल बोन में यानी स्पाइन का जो लास्ट पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, इसमें रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला हिस्सा है, इसमें आपको पेन हो रहा है और आपके तलवों से और हथेलियों से बहुत पसीना आ रहा है, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसकी होम्योपैथी में ठीक करने की, इस पसीने को भी ख़त्म करने की और आपके पेन को भी ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा सलीसिया है। आप सलीसिया 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि आपके हथेली तलवे से पसीना आना भी रुक गया और आपके टेल बोन का पेन भी खत्म हो गया। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि पेन आपके टेल बोन से शुरू हो रहा है लेकिन पूरे स्पाइन में शिफ्ट कर रहा है। अगर यह स्थिति हो, आपके शिफ्टिंग टाइप कैरेक्टर का पेन हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है मैकफॉस। आप मैग्नीशियम फॉस्फेरिकम 6x पावर में चर गोली दिन में 4 बार ले सकते हैं। जब आपके शिफ्टिंग कैरेक्टर का पेन हो यानी शिफ्ट कर रहा हो स्पाइन में, बदल बदल के जगह पे हो रहा हो और आपको गर्मी से सिकाई से आराम मिल रहा हो, तो सिम्टम को ठीक करने और आपके टेल बोन पेन को ख़त्म करने की दवा मैकफॉस्फेरिकम है। एक साथियों कॉमन स्थिति आती है टेल बोन की, यहाँ वहाँ जहाँ ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे नमी हो या बरसाती सीजन हो रहा हो, तो अगर बरसाती सीजन में आपके टेल बोन का पेन बढ़ा है या आपके घर में नमी यानी सीलन रहती है, तो उस स्थिति में टेल बोन पेन को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा डलकम आरा है। आप डलकम आरा 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका टेल बोन का पेन भी ख़त्म हो गया और आप अपने को स्वस्थ महसूस करने लगे। एक स्थिति साथियों कुछ महिलाओं में आ सकती है कि जब उनका मेंस्ट्रुएशन का टाइम आता है, पीरियड का टाइम आता है, उस समय टेल बोन का पेन बढ़ जाता है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके पीरियड का वक्त हो, पीरियड आ रहा हो और आपके टेल बोन पेन बन गया हो, तो उस स्थिति में आपके टेल बोन पेन को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है विरेट्रम एल्बम। आप विरेट्रम एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका मेंस्ट्रुअल रिलेटेड ट्रबल भी ख़त्म हो गए और जो टेल बोन पेन यानी जो रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग में निचले भाग में पेन हो रहा है, वहाँ भी ख़त्म हो गया। ये साथियों कुछ दवाएं थी कॉकीडिनिया यानी टेल बोन पेन को ख़त्म करने की। हम एक बार फिर रिक्वेस्ट कर दें साथियों, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से लिखवाए हुए प्रिस्क्राइब करे बिना ना लीजिएगा, क्योंकि हर सिम्टम हर दवा का भिन्न होता है और आप पे वो भिन्नता से अप्लाई हो सकता है। अगर आपके मन में साथियों कोई सवाल हो तो अपने इस चैनल पर आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 94157386 3008 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अगर साथियों आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो अपने इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके हमारा सबसे नया वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा। फिर से साथियों, साथ देने के लिए, हमेशा साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।